गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं अपने जीएस विद करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में एक ऐसे देश की चर्चा करूंगा जो कि नाटो का मेंबर बना और इसे हम मैसेडोनिया के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैसेडोनिया किस कॉन्टिनेंट में है और नाटो क्या है। थोड़ा ये लेक्चर मेरा लंबा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण विषय बन जाता है नाटो। तो नाटो को समझाने के पहले मैं मैसेडोनिया पर चर्चा करूंगा। देखिए, मैसेडोनिया जो देश है वो 1991 में यूगोस्लाविया के विघटन के बाद अस्तित्व में आया, यानी कि एक 1991 के पहले मैसेडोनिया यूगोस्लाविया में आता था और यूगोस्लाविया नाम का देश 1991 के बाद विघटित हो गया। यूगोस्लाविया कई देशों को मिलकर के बना था जिसको आप मैप में देख रहे हैं। इस यूगोस्लाविया में बोस्निया, सर्बिया, मॉन्टीनिग्रो शामिल थे। आप ये मैप में देख रहे हैं कि ये सारे देश जो है बोस्निया, सर्बिया, मॉन्टीनिग्रो, कोसोवो, ये सब कभी यूगोस्लाविया के अधीन आते थे और इनको सम्मिलित रूप से हम यूगोस्लाविया बोलते थे। लेकिन 1991 में जब यूगोस्लाविया का विघटन हुआ तो 1991 में मैसेडोनिया अस्तित्व में आया, लेकिन मैसेडोनिया अपने नाम के कारण बहुत अधिक विवादित हुआ क्योंकि इसके नाम को लेकर इसके एक पड़ोसी देश ग्रीस ने विवाद खड़ा कर दिया। क्योंकि ग्रीस नहीं चाहता था कि यूगोस्लाविया से अलग हुआ मैसेडोनिया अपना नाम मैसेडोनिया ही रखे। अब सवाल है, मैसेडोनिया को लेकर कैसा विवाद क्यों हुआ? क्योंकि जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। मैसेडोनिया दो है, एक ग्रीस में भी मैसेडोनिया है। तो जो ग्रीस का मैसेडोनिया है वहां पर सिकंदर का जन्म हुआ था और ग्रीस के अंदर जो मैसेडोनिया है ग्रीस के लिए वो एक हिस्टोरिकल हेरिटेज है और ग्रीस ये नहीं चाहता था कि उसकी ऐतिहासिक विरासत के नाम से उसके ही बगल में कोई नया देश बने। तो ग्रीस ने इस पर आपत्ति खड़ी कर दी। आपत्ति कब सामने आई? क्योंकि जब 1991 में यूगोस्लाविया के टूटने के बाद मैसेडोनिया अस्तित्व में आया तो मैसेडोनिया ने यह प्रयास किया कि वो नाटो और यूरोपीय संघ का मेंबर बने, लेकिन ग्रीस ने इसका विरोध किया। ग्रीस ने कहा कि जब तक ये अपना नाम नहीं बदलते हैं तब तक इन्हें मैं नाटो या यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए समर्थन नहीं करूंगा और यह विवाद चलता रहा। 2019 में ग्रीस और ये जो यूगोस्लाविया से अलग होकर मैसेडोनिया बना था इन दोनों की बैठक हुई। इन दोनों ने आपसी समझौता किया जिसके तहत जो यूगोस्लाविया से हटकर बना हुआ या यूगोस्लाविया के विघटन के बाद जो मैसेडोनिया बना था उसने ग्रीस के इस बात को स्वीकार कर लिया और अपना नाम बदलने के लिए सहमत हो गया। इसीलिए इस मैसेडोनिया को हम वर्तमान में नॉर्थ मैसेडोनिया के नाम से जानते हैं और जब इसने अपना नाम नॉर्थ मैसेडोनिया रखा तब जाकर के वर्तमान 2020 में आज यह नाटो का मेंबर बना। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैसेडोनिया के नाम को लेकर के विवाद आज का नहीं है, 2018 का है और जब इसने अपना नाम बदला है तब जाकर के ग्रीस की सहमति के बाद नाटो के अंतर्गत यह आसानी से सम्मिलित हो गया, वरना जब तक इसने नाम नहीं चेंज किया था तब तक ग्रीस इसका विरोध करता रहा। क्योंकि ग्रीस ये कहना था कि मैसेडोनिया तो मेरा एक क्षेत्र है जहां पर सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर का जन्म हुआ था और उस नाम से कोई अलग देश बनेगा तो उसकी ऐतिहासिक विरासत कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, उसका टूरिज्म प्रभावित होगा और इसीलिए इस नाम को लेकर के ग्रीस ने विरोध किया। फलस्वरूप आज ये मैसेडोनिया जो नाटो में सम्मिलित हुआ है ये नॉर्थ मैसेडोनिया के नाम से सम्मिलित हुआ है। तो आप ये जो मैप में देख रहे हैं कभी यूगोस्लाविया के अंतर्गत जितने भी देश थे आज वो अलग हो चुके हैं 1991 के बाद। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन दूंगा जो कि मैं हमेशा देता हूं, आपको ये बताना है कि यूगोस्लाविया के अंतर्गत जितने भी देश आपको मैप में दिख रहे हैं इनकी राजधानी क्या है, ग्रीस की राजधानी क्या है और ये जो नॉर्थ मैसेडोनिया है इसकी राजधानी क्या है, यह आप जरूर बताएंगे।
तो इस प्रकार आप समझिए कि मैसेडोनिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है, और ये कैसे बना, क्यों अस्तित्व में आया, इसको लेकर के क्या विवाद था। अब मैं नाटो पर भी चर्चा करूंगा। अगर मैसेडोनिया की बात की जाए तो ये यूरोप के बाल्कन कंट्रीज में आता है। बाल्कन माउंटेन के कारण कई कंट्री को मिला करके एक बाल्कन समूह में रखा गया है, तो मैसेडोनिया बाल्कन कंट्रीज का एक हिस्सा है। अब एक क्वेश्चन और आपके सामने आता है कि बाल्कन देश में कितने कितने देशों को शामिल किया गया है। यूरोप के बाल्कन कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं, आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और आपको यह बताना है कि ग्रीस किस सागर के किनारे है। तो जितने भी मैंने प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अपने नोट में इसे जरूर शामिल कीजिएगा। इस प्रकार वर्तमान में जो मैप के सामने दिख रहा है वो युगोस्लाविया है, और अब ये जो मैप दिख रहा है ये युगोस्लाविया के से टूटे हुए देशों का मैप है। तो अब युगोस्लाविया में जितने भी देश हैं, आप मुझे उनकी राजधानियां, मैसेडोनिया की राजधानी, ग्रीस किस महासागर के किनारे है और ग्रीस की राजधानी क्या है, ये सारी चीजें जो कि बहुत ही आसान है आप अपने नोट्स में पॉइंट आउट करते हुए और मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर इसी मेरे चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। अब हम नाटो पर चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो नाटो का जो फुल फॉर्म है वो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में क्यों आई, इसको समझने के लिए हमें वर्ल्ड वॉर, ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स, सभी चीजों को क्रम से समझना होगा। अगर नाटो को देखा जाए तो नाटो वास्तव में वर्तमान समय में सबसे सफल इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है कि इसके जितने भी देश, यानी कि इसमें 30 सदस्य हैं और 30 सदस्य जो हैं इन्होंने मिलकर के आज के समय में नाटो को एक सबसे सफल इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बनाया है। और वास्तव में इसमें सबसे बड़ी भूमिका यूएसए की है, यूएसए में नाटो का ही दबदबा है। अब ऐसा क्यों है इसके लिए हमें इतिहास पर जाना पड़ेगा जो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि नाटो की जो पॉलिसी है वो अटैक वन अटैक अगेंस्ट ऑल पर बेस्ड है। मतलब इस 300 कंट्री में से किसी एक पर हमला होगा तो सभी नाटो के मेंबर कंट्रीज मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। लेकिन अब यह मत समझिएगा कि नाटो का उद्देश्य केवल युद्ध करना ही है। नाटो का एक उद्देश्य है कि अपने सदस्य देशों के बीच आपसी सामंजस्य को बनाए रखना और उन पर होने वाले किसी भी प्रकार के हमले को रोकना है। तो इस प्रकार नाटो का ये जो मैंने बताया ये इसका एक सिद्धांत है और ये एक थोड़ी सी जानकारी है। लेकिन अब हम नाटो के अस्तित्व में आने की व्यापक चर्चा करेंगे, इसे समझेंगे वास्तव में नाटो के आने का क्या मकसद था, ये कैसे आया और इसका प्रभाव वर्तमान में कहां तक पहुंच रहा है। अब नाटो के इतिहास को समझने के लिए हमें सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की कंडीशन को समझनी होगी। सेकेंड वर्ल्ड वार आप जानते हैं कि 1945 में समाप्त हुआ। अब 1945 में समाप्त होने के बाद जर्मनी को चार भागों में बांट दिया गया, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना गया और इसी को देखते हुए जर्मनी को चार भागों में बांटा गया। और इन चार भागों पर देखा जाए यूके, यूएसए, यूएसएसआर, तो यानी कि जर्मनी पर यूएसए, ब्रिटेन यानी यूके सॉरी ग्रेट ब्रिटेन, यूएसएसआर मतलब रसिया, उस समय रसिया यूएसएसआर था याद रखिए, क्योंकि 1991 के पहले रसिया सहित यूएसएसआर में लगभग कई देश, रसिया ने कई देशों को मिला करके यूएसएसआर बनाया था। तो 1991 के पहले मैं जहां यूएसएसआर बोलूंगा वहां समझिएगा रसिया द्वारा बनाया गया संगठन है जो कि बहुत चर्चा में रहा। अब यूएसएसआर क्यों बना, कैसे बना, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी यहां आप समझिएगा कि रसिया ने 1991 के पहले यानी कि
देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही यूएसएसआर अस्तित्व में आया था, और इसमें बहुत सारे देश शामिल थे, कई यूरोपियन कंट्रीज भी थी जो आज वास्तव में स्वतंत्र हो चुकी हैं। लेकिन मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, उस समय यूएसएसआर का अस्तित्व में था, और उसी वजह से जो है कई देशों पर रूस का प्रभाव था। तो इस तरह देखा जाए इस जर्मनी पर फ्रांस, अमेरिका, यूएसएसआर और यूके का प्रभाव था, क्योंकि इन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी को पर को चार हिस्सों में बांट दिया था। अब देखा जाए इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक और समस्या आई थी कोल्ड वार की, क्योंकि आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दो महाशक्तियां दिखने सामने आई थी, एक था रूस और एक था अमेरिका। तो रूस और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार भी शुरू हो चुका था। अब रूस अमेरिका एक दूसरे के प्रभाव को कम करना चाहते थे। इधर रसिया यूएसएसआर की स्थापना करके कई देशों पर अपना प्रभाव जमा चुका था, और पूरा देश दो प्रकार की विचारधाराओं से जूझ रहा था, एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद। समय के साथ साथ रसिया में यह समाजवाद एक साम्यवाद में बदल चुका था, और धीरे धीरे यही दो विचारधाराएं जो हैं पूरे विश्व में हावी हो रही थी, और रूस और अमेरिका के साथ साथ इन दो विचारधाराओं का भी संघर्ष चल रहा था कि कौन सफल होगा, समाजवाद सफल होगा या फिर पूंजीवाद सफल होगा। जर्मनी पर अगर देखा जाए तो जर्मनी की राजधानी उस समय बर्लिन थी, और ये बर्लिन जो है देखा जाए ये ईस्ट जर्मनी में पड़ता था। 1949 में एक ऐसी घटना घटी जिसने जर्मनी में दो देशों को जन्म दिया। जैसे 1949 में ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर पश्चिम जर्मनी पर अधिकार कर लिया था, और पश्चिम जर्मनी को नाम दिया गया FRG, पश्चिम जर्मनी को नाम दिया गया FRG, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। और इस प्रकार जब 1949 में पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ने लगा, तो इधर रसिया ने भी पूर्वी जर्मनी पर अधिकार किया, और पूर्वी जर्मनी को एक अलग नाम दिया जिसका नाम था GDR, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस प्रकार देखा जाए 1949 में जर्मनी में दो देश अस्तित्व में आए, GDR और FRG। इस प्रकार ध्यान रखिए कि 1949 में दो देश अस्तित्व में थे, जो कि जर्मनी को ही बांट के बने थे, पश्चिमी जर्मनी जिसे FRG बोलते थे, फेडरल रिपब्लिक जर्मनी, और पूर्वी जर्मनी जिसे हम लोग GDR बोलते थे, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पूर्वी जर्मनी रसिया के अधिकार में था, और पश्चिम जर्मनी USA, ब्रिटेन इन सब के द्वारा कंट्रोल होता था। तो आप देखिए पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी दो अलग अलग देश ही नहीं थे, बल्कि ये दोनों अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के सिद्धांतों पर चलने वाले देश थे। ये मतलब ये दोनों देश जो है इनका आर्थिक सिद्धांत ही बिल्कुल अलग था। अगर पश्चिमी जर्मनी की बात करें तो उस पर अमेरिका का प्रभाव था, तो पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता था। अगर पूर्वी जर्मनी की बात करें तो पूर्वी जर्मनी एक तरह से साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार चलने वाला एक देश बन चुका था। लेकिन एक यहां पर टर्निंग पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी, वो वास्तव में पश्चिमी जर्मनी की भी राजधानी थी और पूर्वी जर्मनी की भी राजधानी थी। और ये जो बर्लिन था जिसे FRG यानी फेडरल रिपब्लिक जर्मनी यानी पश्चिम जर्मनी जो कि अमेरिका कब्जे में था, यह इसी पश्चिम जर्मनी की भी राजधानी था। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन का मैटर है कि जो पश्चिम जर्मनी की राजधानी बर्लिन है वो ईस्ट जर्मनी में थी, और बर्लिन के पश्चिमी हिस्से पर अमेरिका का कब्जा था, और बर्लिन के पूर्वी हिस्से पर ये आपके USSR यानी रसिया का प्रभाव था। तो इस प्रकार बर्लिन से ही सारी समस्या शुरू हुई। अब आप ये समझिए कि बर्लिन यानी कि जो FRG है, फेडरल रिपब्लिक जर्मनी, जो कि देखा जाए वेस्ट जर्मनी था, पश्चिम जर्मनी था,
ये जो वेस्टर्न जर्मनी था इसकी राजधानी बर्लिन में होने से अमेरिका के और ब्रिटेन के सैनिकों का बर्लिन में एंट्री करना आसान हो गया था, और बर्लिन पूर्वी जर्मनी में था, और इस प्रकार अमेरिका ने इसी बर्लिन का फायदा उठाया और पूर्वी जर्मनी के लोगों को साम्यवाद यानी यूएसएसआर के सिद्धांतों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। जब यूएसएसआर को इसकी जानकारी हुई तो यहीं से यूएसएसआर ने कड़ा कदम उठाया और 1949 में यूएसएसआर ने पूर्वी जर्मनी के लोगों का पश्चिम जर्मनी में जाने के लिए या पश्चिम जर्मनी में आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि उसने अब ये बोल दिया कि पूर्वी जर्मनी के लोग और पश्चिम जर्मनी के लोग बिना गवर्नमेंट की, बिना यूएसएसआर के अनुमति के नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार यूएसएसआर ने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को ब्लॉक करने का पूरी तरह से प्रयास किया। यहीं पर अमेरिका अलर्ट हो गया क्योंकि अब रसिया का प्रभाव पूर्वी जर्मनी पर बढ़ने लगा। ब्लॉकेज हो चुका था पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में, यूएसएसआर ने एक आवागमन के लिए बैन लगा दिया था। अब यहां से जो है, इसके पूर्व एक बात बता दूं कि इसके पूर्व एक घटना और ध्यान रखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब रसिया का प्रभाव यानी कि सॉरी यूएसएसआर का प्रभाव जब यूरोप में बढ़ने लगा तो 1948 में ही यूरोप के कुछ देशों ने, नाटो से पहले बता रहा हूं, 1948 में ही यूरोप के कुछ देशों ने इस यूएसएसआर के प्रभाव को यूरोप में कंट्रोल करने के लिए एक संधि करके, आपस में संधि करके, समझौता करके एक अलग ग्रुप बनाया था। और यह ग्रुप 1948 में ब्रुसेल्स की संधि के अंतर्गत अस्तित्व में आए थे। मतलब नाटो की स्थापना के पहले ही 1948 में यूएसएसआर के बढ़ते प्रभाव को यूरोप में कम करने के लिए यूके, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड इन सब ने मिलकर एक संधि साइन की थी जिसे हम ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स कहते हैं। लेकिन 1949 में जब पूर्वी जर्मनी को यूएसएसआर ने ब्लॉक किया और पश्चिम जर्मनी से उसका कांटेक्ट खत्म करने का प्रयास किया, तब यहां पर अमेरिका रूस के प्रभाव को और नियंत्रित करने के लिए नाटो का प्रस्ताव लेके सामने आया। और इस प्रकार 1949 में ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स में यानी 1948 की ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स में जितने भी देश शामिल थे और अमेरिका महाद्वीप के देश, ये सब आपस में मिलकर के नाटो की स्थापना किए। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स के बाद नाटो अस्तित्व में आया और नाटो की स्थापना में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका थी। यानी कि ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स में जितने भी देश शामिल थे प्लस अमेरिकी महाद्वीपीय देश और कुछ यूरोपीय कंट्री मिलकर के नाटो के अस्तित्व को मंजूरी दिया, यानी कि नाटो के एग्जिस्टेंस को अप्रूव किया। और इस प्रकार 1949 में नाटो अस्तित्व में आया, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी में अमेरिकी महाद्वीप देश और यूरोपियन देश हैं, एशिया का कोई भी देश नहीं है। तो आप ये समझ गए होंगे कि इसका संबंध कहीं ना कहीं यूएसएसआर यानी रसिया के यूरोप में बढ़ते प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। तो नाटो का उद्देश्य यही था जो कि 1949 में बना था। अब यहां पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि यह लड़ाई केवल रूस और अमेरिका की ही नहीं थी, यह लड़ाई दो आर्थिक सिद्धांतों की भी थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे 1949 के बाद धीरे धीरे देखा जाए तो साम्यवादी आर्थिक सिद्धांत कमजोर पड़ने लगा। यूएसएसआर जिसमें रूस के प्रभाव में बहुत सारे देश थे और रूस ने अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए अपने मिलिट्री डिफेंस पर बहुत ज्यादा अपने डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाया और यूएसएसआर में शामिल सभी देशों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो यूएसएसआर में शामिल इतने ज्यादा देश थे, आज रशिया आप जान रहे हैं कि एरिया में इतना बड़ा है। अब अगर उस समय यूएसएसआर को भी आप इमेजिन करेंगे तो रशिया और भी बड़ा हो जाएगा।
तो इतने ज्यादा देशों को एक साम्यवादी सिद्धांत के आधार पर संभालना, आप ये जानते हैं कि साम्यवादी सिद्धांत पूरी तरह से कंट्रोल्ड इकोनॉमी की बात करता है। तो इस साम्यवादी सिद्धांत ने यूएसएसआर के सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया, धीरे धीरे साम्यवाद कमजोर पड़ने लगा। साम्यवादी सिद्धांत अपनाने के कारण यूएसएसआर में निवेश कम होने लगे, रोजगार कम होने लगे, लेकिन वहीं पूंजीवादी देश एक ओपन मार्केट सिस्टम को अपनाने के कारण धीरे धीरे विकास के पथ पर बढ़ रहे थे। अब यहां से देखा जाए तो ईस्ट जर्मनी साम्यवादी नीतियों के कारण दंड भुगत रहा था, उसकी ना तो वहां रोजगार था ना ही वहां विकास की संभावना थी। वहीं अगर पश्चिम जर्मनी, जिसे आप एफआरजी बोलते हैं, वो अमेरिका के पूंजीवादी नीतियों से आगे बढ़ रहा था, तो अब यहां से ईस्ट जर्मनी से पलायन हुआ वेस्ट जर्मनी की तरफ, यानी कि लोग नौकरी की तलाश में जीडीआर से, यानी कि जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से, एफआरजी की तरफ जाने पड़े, यानी कि फेडरल रिपब्लिक जर्मनी की तरफ जाने लगे। तो आपको मैंने पहले बताया था कि 1949 में ही आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया था यूएसएसआर के निर्देश पर ईस्ट जर्मनी ने प्रतिबंध लगा दिया था वेस्ट जर्मनी जाने के लिए, लेकिन फिर भी रोजगार के संदर्भ में इन्होंने कुछ छूट दे रखी थी। तो इस छूट का परिणाम ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी की तरफ पलायन करने लगे, और यहीं से जन्म होता है बर्लिन की दीवार का, यानी कि बर्लिन की दीवार का इतिहास यहीं से शुरू होता है। जब बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़ी संख्या में ईस्ट जर्मनी से लोग वेस्ट जर्मनी की तरफ प्लान करने लगे, तो यूएसएसआर के निर्देश पर ईस्ट जर्मनी की सरकार ने बर्लिन में एक दीवार बनाने की बात सोची। इसी को आज हम ग्रेट वॉल ऑफ बर्लिन या बर्लिन की दीवार के नाम से जानते हैं, जिसने बर्लिन को पूर्वी पश्चिमी भाग में बांट दिया था। तो बर्लिन की दीवार बनाने का उद्देश्य यही था कि पूरी तरह से ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को एक दूसरे से पूरी तरह से ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का संपर्क एक दूसरे से पूरी तरह से समाप्त कर देना। और ये दीवार 1961 में बनी, लेकिन अब धीरे धीरे यूएसएसआर की नीतियां, देखा जाए 1961 के बाद की बात की जाए तो 1961 के बाद धीरे धीरे यूएसएसआर की नीतियां कमजोर पड़ने लगी, साम्यवादी सिद्धांत धराशायी होने लगा, पूंजीवाद आगे बढ़ने लगा, और यूएसएसआर के अधीन सारे देश स्वतंत्र होने की मांग करने लगे, जैसे अल्बीनिया और क्रोशिया, ये सारे देश जो कभी यूएसएसआर में थे अब ये अलग होने की मांग करने लगे। और अब यूएसएसआर 1989 तक आते आते हालत ये हो गई थी कि रूस यूएसएसआर में जितने भी देश शामिल थे उनमें होने वाले विरोध को संभालने में असमर्थ हो गया, और जो यूएसएसआर की एक आर्मी थी जिसे हम रेड आर्मी के नाम से जानते हैं, जिसने कभी यूएसएसआर के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यूएसएसआर के किसी भी देश में विरोध होता था तो यूएसएसआर की रेड आर्मी जरूर जाके उसे कंट्रोल करती थी, लेकिन 1989 तक आते आते यूएसएसआर में जो देश विद्रोह कर रहे थे उनको दबाने के लिए रेड आर्मी यानी यूएसएसआर ने अपनी रेड आर्मी को नहीं भेजा। इसका मतलब यही था कि अब यूएसएसआर जो है रशिया अब अपने आर्थिक दबाव के कारण इस यूएसएसआर के देशों को संभालने में असमर्थ था। और एक बात और बता दूं कि जब यूएसएसआर बना था तो उस समय रेड आर्मी का दबदबा बहुत ज्यादा था। तो धीरे धीरे इनकी साम्यवादी नीतियों ने इन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया। 1989 की बात की जाए तो मैं बताना चाहूंगा कि जब रूस जो है इतना यानी सोवियत रूस इतना कमजोर हो चुका था कि वो किसी भी प्रकार के विरोध को झेलने में सक्षम नहीं था, तो 1989 में सोवियत रूस ने निर्णय किया था कि अगर किसी भी प्रकार का पूर्वी यूरोप में कोई विरोध होता है तो उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब देखिए ईस्ट जर्मनी में, यानी जिसे जीडीआर कहते हैं, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसे कि 1949 में कभी सोवियत रशिया ने बनाया था और उस पर अपना नियंत्रण किया था, आज उसका ये नियंत्रण खत्म हो चुका था। अब ईस्ट जर्मनी में
यूएसएसआर यानी सोवियत रशिया के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका था। अब सोवियत रशिया ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी आर्मी नहीं भेजी और वहां पर जो सरकार थी वो भी उस विद्रोह को दबा नहीं पाई। इसलिए अंत में वहां की सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब जर्मनी के इस वाल को यानी जो ग्रेट वॉल ऑफ बर्लिन था उसे गिराया जाएगा। और जिस दिन उन्होंने ये निर्णय लिया उसी दिन लाखों लोगों ने उस दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है लगभग 40 लाख लोग बर्लिन वॉल के किनारे 1989 में इकट्ठा हो गए और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। और बर्लिन वॉल का टूटना ही यूएसएसआर के पतन का सिंबल भी माना जाता है कि जिस बर्लिन वॉल के टूटने से यूएसएसआर का बढ़ता प्रभाव खत्म हो चुका था। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि किस प्रकार बर्लिन वॉल टूटी, किस प्रकार नाटो बना, नाटो क्यों बना, उसके बनने की कहानी क्या थी, यूएसएसआर को कमजोर करना नाटो का उद्देश्य था। लेकिन अब नाटो की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब इस समय अगर देखा जाए तो अभी जो 2019 में नाटो की बैठक हुई थी उसमें नाटो ने चाइना की तरफ इशारा किया, क्योंकि अब चाइना का प्रभाव एशिया से लेकर यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ता चला जा रहा है। तो अब आने वाले समय में हम नाटो की इस बदलती हुए परिदृश्य को समय के साथ साथ समझेंगे। लेकिन अभी तक जो भी मैंने आपको समझाया है, नाटो का इतिहास, ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स और किस प्रकार बर्लिन की दीवार बनी, बर्लिन की दीवार कैसे गिरी, क्या कहानी थी, इसको आप ठीक प्रकार से जरूर समझिएगा। टॉपिक थोड़ा लंबा है, कई बातें बीच में, दो तीन बार देखने के बाद आप इसे समझ जाएंगे। और जहां कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे और मैंने जो भी आपको आंसर जो भी क्वेश्चन दिए उसका आप जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।